स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 10, वर्कशीट सॉल्यूशन, डेट 2/1/2021. लेसन नंबर 10, मीठी सारंगी. क्वेश्चन नंबर 1, कठिन शब्द पढ़ो और लिखो. हार्ड वर्ड्स जो है वो आपको आपकी हिंदी नोटबुक में लिखना है. सारंगी, इकट्ठे. दंग, ठहरिए. झुंझलाया, स्वाद. चौपाल, खोली. खोली मीन्स कवर. सिरहाने, खर्राटे. जीभ, उंडेला मतलब डालना. बूंद, बेवकूफ़ी. मिठास एंड खुशामद मतलब किसी के बारे में किसी का पक्ष लेना है या किसी की तारीफ करना या किसी की चापलूसी करना, उसे कहते हैं खुशामद. क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाइए. प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाइए. नंबर 1, गांव में कौन आया? दूध वाला, गिटार वाला या सारंगी वाला? तो गांव में कौन आया? तो सारंगी वाला आया. सभी लोग कहाँ सो गए? घर में, चौपाल में या मैदान में? जब सारंगी वाले ने रात को गाना बजाना बंद कर दिया तो सब लोग कहाँ सो गए थे? चौपाल में. तो सेकंड पे हम टिक करेंगे. नंबर 3, भोला ने सारंगी का क्या किया? गांव से बाहर फेंक दिया, घर से बाहर फेंक दिया या कुछ नहीं किया? तो भोला ने सारंगी का क्या किया था लास्ट में? गांव से बाहर फेंक दिया. भोला को गांव वालों की किस बात पर गुस्सा आ रहा था? भोला को गांव वालों की किस बात पर गुस्सा आ रहा था? गांव वाले सारंगी वाले की तारीफ कर रहे थे इसलिए, गांव वाले सारंगी वाले की बुराई कर रहे थे इसलिए, या गांव वाले सारंगी वाले को हंसा रहे थे इसलिए? तो गांव वाले सारंगी वाले की तारीफ कर रहे थे इसलिए भोला को गुस्सा आ रहा था. तो नंबर 1 में हम टिक करेंगे. नंबर 5, गांव वालों ने अपना सिर क्यों पीट लिया? लास्ट में गांव वालों ने अपना सिर क्यों पीट लिया? क्योंकि भोला बेवकूफ़ निकला, क्योंकि भोला चतुर निकला, एकदम होशियार, क्योंकि भोला समझदार निकला. तो गांव वालों ने अपना सिर इसलिए पीट लिया था क्योंकि लास्ट में भोला बेवकूफ निकला. तो फर्स्ट बॉक्स में हम राइट टिक करेंगे. टर्न योर पेज. रात के कितने बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया? 5 बजे, 7 बजे या 3-4 बजे? तो रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया. नंबर 3, थर्ड बॉक्स में राइट टिक करोगे. सारंगी वाले ने सारंगी पर क्या चढ़ाया? हार, खोल या चादर? तो क्या आएगा? खोल. सारंगी से एक भी कैसे बूंद नहीं निकली? मीठी, खट्टी या तीखी? तो सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली. तो नंबर 8 में आएगा मीठी. क्वेश्चन नंबर 3, वाक्य बनाओ. ये जो सारे शब्द है उसके आपको सेंटेंस बनाने हैं. और आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी आप सेंटेंस बनाओ हिंदी सब्जेक्ट में तो ये जो वर्ड जो शब्द दिए गए हैं वो सेंटेंस में आने चाहिए. तो फर्स्ट में है झूठा. तुम सब लोग झूठे हो. तो ये झूठा और झूठे दोनों आए सेम. तो यस, दंग. तो गांव के लोग दंग रह गए मतलब एकदम शॉक, सरप्राइज होने लगा, एकदम चौंक गए वो लोग. चैन, भोला चैन नहीं आ रहा था. भोला को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ एक ही मात्रा आएगा. भोला को चैन नहीं आ रहा था. भोला को चैन नहीं आ रहा था. यहाँ एक ही मात्रा आएगी. स्वाद, चाट का स्वाद चटपटा होता है.
चाट का स्वाद चटपटा होता है। ये तो मैंने सेंटेंस लिखे है, आपको आता है अपने आप लिखने को तो आप अपने आप भी दूसरे सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई चीज़ों का स्वाद कैसा है वो लिखो। नीचे दी गई चीज़ों का स्वाद कैसा है वो लिखो। शहद, शहद मीन्स हनी, तो हनी का स्वाद कैसा होता है, शहद का मीठा, तो हम लिखेंगे मीठा। समोसा का स्वाद कैसा होता है, आप तीखा भी लिख सकते हो और थोड़ा चटपटा होता है, तो हम लिखेंगे चटपटा। गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तो मीठा। नींबू का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा, तो खट्टा। करेला का स्वाद कैसा होता है, करेले का, तो कड़वा, तो हम यहाँ लिख देंगे कड़वा। कच्चा आम का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा। और पके आम का, मतलब पका हुआ जो आम होता है, वो मीठा। दवाई का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। ये दवाई कड़वी होती है ना, तो दवाई है तो हम कड़वी लिखेंगे। ओके, दवाई कैसी होती है, कड़वी। किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 5, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। वो किसने सेंटेंस बोला था कि सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, तो वो सेंटेंस बोला था भोला ने, तो हम लिखेंगे भोला ने कहा, भोला ने कहा। ओके, पूर्णविराम मीन्स फुल स्टॉप। नंबर 2, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यही ठहरिए। सारंगी वाला इतना अच्छे से मज़े से बजा रहा था कि सबको बहुत मज़ा आ रहा था, आनंद आ रहा था, तो उन लोगों ने बोला कि 2-4 दिन यही रुकिए, तो वो किसने बोला था, गांव वालों ने, तो हम लिखेंगे गांव वालों ने कहा। नंबर 3, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। किसने बोला एकदम गुस्से से कि क्या खाक मीठी थी वो, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, तो किसने बोला, भोला ने, भोला ने कहा। कब कहा था, जब सारे गांव वाले लोग वो सारंगी वाले की तारीफ कर रहे थे, तब भोला को गुस्सा आया, तब उसने बोला कि नहीं वो तो मीठी थी है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। नंबर 4, यहाँ नंबर 4 कर देना। बड़ी मीठी सारंगी थी पता नहीं कौन ले गया, बड़ी मीठी सारंगी थी पता नहीं कौन ले गया। जब सुबह वो सारंगी वाला उठा और उसने अपने सिरहाने, मतलब सिर के पास उसने सारंगी रखी थी, सुबह नहीं मिली और वो ढूंढने लगा, तब सब लोग बोलने लगे कि वह बड़ी मीठी सारंगी थी पता नहीं कौन ले गया, तो किसने बोला, ये लोगों ने कहा। लोगों की जगह आप ऐसा लिखोगे कि गांव वालों ने कहा, वो भी राइट आंसर है। ओके, आप ऐसा लिखोगे गांव वालों ने कहा, ये आंसर सेम टू सेम यहाँ 4 में लिख दोगे तो भी राइट ही है, और लोगों ने कहा लिखोगे वो भी दोनों राइट है। ओके, तो ये वर्कशीट आपको अच्छे से लर्न करनी है घर पे और लिखना है। बाय एवरीवन।